नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजी किसकी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और काफ़ी जो है इसमें दिक्कतें हुई। इस परीक्षा में पेपर आउट होने का भी शक है। छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया और कई परीक्षा केंद्रों पर जो है पेपर काफ़ी लेट पहुंचा। कहीं पर सील खुली हुई थी और कहीं पर पेपर हुआ, कहीं पेपर नहीं भी हुआ। कहीं कई सेंटरों पर ऐसा हुआ कि छात्रों ने पेपर नहीं दिया कि उनको डाउट हुआ, भाई पेपर तो ये लीक हो चुका है और ये पेपर आउट हो चुका है, अब इस परीक्षा को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो कंडीशन आई, ये जो स्थिति आई, ये किसकी वजह से आई? ये चयन बोर्ड की अपनी मनमानी की वजह से आई। चयन बोर्ड की मनमानी, जो परीक्षा दूर दराज केंद्रों पर करवाने की, 75 जिलों में करवाने की जो मनमानी की है चयन बोर्ड ने, उसकी वजह से ये समस्या आई। और इसका काफ़ी विरोध किया गया था, छात्रों को डर था इसका और इसका विरोध किया जा रहा था, लगातार विरोध किया जा रहा था, लेकिन चयन बोर्ड इस पर नहीं माना और परीक्षा 75 जिलों में दूर दराज सेंटरों पर परीक्षा केंद्र बना दिए गए। तदर्थों ने अपना खेल कर दिया है और ऐसा लग रहा है। खैर, अभी कहीं से भी कोई पुख्ता जानकारी इसकी नहीं मिली है कि पेपर किस जगह से आउट हुआ है, कहाँ पे आउट कराया गया है। केवल एक शक है, तो शक के बिना पर तो कुछ भी नहीं होता है, आप जानते हैं। पेपर आउट होने का केवल और केवल शक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, पेपर आउट होने का शक है और कुछ नहीं है। और पेपर आउट होने की पुख्ता जानकारी अभी कहीं से भी, किसी जगह से भी, किसी भी सोर्स से नहीं मिली है। इसलिए छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पेपर कल है, अपना मूड डिस्टर्ब ना करें, फ्रेश माइंड से जाकर परीक्षा दें। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा दोबारा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं, ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी तरह से ये परीक्षा कल भी हो जाएगी और कल की परीक्षा होने के बाद हो सकता है कि चयन बोर्ड थोड़ी सी, चयन बोर्ड और प्रशासन, जिला प्रशासन कल थोड़ी सी सख्ती बरतें और इस तरह की गड़बड़ कल ना होने पाए। एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में क्या हुआ था वो आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि पेपर रद्द हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। इसलिए निगेटिव थिंकिंग को निकाल कर आप कल की अपनी परीक्षा की तैयारी करें और अच्छी तरह से कल की परीक्षा दें। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।